भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संबल जनपद के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर कई सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों का आरक्षण खत्म नहीं करने की मांग को लेकर सरकार को चेताया है और कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी एवं मुस्लिम विरोधी है। यह स्वर्ण जातियों और व्यापारियों के हितों में कार्य कर रही है और एससी एसटी ओबीसी की शिक्षा में किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करने एवं आरक्षण संबंधी किसी भी संशोधन के विषय में विरोध जताते हुए सरकार को चेताया है और मांग की है कि सरकार को दलित विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी। ज्ञापन के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जिला मुख्यालय पर पहुंची। नवबारह समाचार संबल उत्तर प्रदेश से मुबारक अली। डीएम साहब के पास आए, किस लिए आए हो? हम लोग भारत में जो दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी और मुस्लिम विरोधी जो तमाम विधेयक और किसान विरोधी जो तमाम विधेयक इस देश में पास करे जा रहे हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन लेने के माध्यम से आए। तो क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, इस देश के अंदर निजीकरण बंद किया जाए, इस देश के अंदर किसानों पर अत्याचार शोषण बंद किया जाए, इस देश के अंदर मुस्लिमों पर अत्याचार शोषण बंद किया जाए, दलितों पर अत्याचार शोषण बंद किया जाए।